तो गाइस पिछले 2-3 दिन से पूरी बॉडी दर्द कर रही है, यहाँ पे कर रहा है और जांग पे कर रहा है और रीढ़ की हड्डी पे कर रही है। मतलब मैं पिछले 2 दिन से लेट आई हूँ, मेरा मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो पानी फैल गया, कोई बात नहीं। तो सुबह के 11:30 हो रहे हैं और जस्ट 2 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए कल व्लॉग नहीं आया और बहुत पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। अभी भी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, सच में मैं चल नहीं पा रहा। एक बार चल के दिखा दूँ आपको, चल के दिखा रहे, चल नहीं पा रहे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत जोर की दर्द हो रहा, पूरी जांग में और पीठ पे मेरे यहाँ दर्द हो रहा। बुढ़ापा आ गया, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। सो के उठा था तो उस दिन तो मैं उठा ही नहीं, मतलब 2 दिन हो गए, एक दिन तो मैं बेड से निकला ही नहीं बाहर। भाई हिम्मत करके वॉशरूम करने गया था, मजबूरी है। अभी भी हो गया ना, तो बुढ़ापा आ गया ना इसलिए। हाँ इतनी जल्दी क्या, अभी भी ऐसे ये जाम पूरा ही दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। तो आज है सावन का सोमवार और आज हम लोग जाने वाले हैं नीलकंठ मंदिर। चले, ये नीलकंठ मंदिर वही नीलकंठ मंदिर है जहाँ पे मैं और स्वाति पहली बार मुलाकात हुई थी। तो मैंने पहन लिए हैं जूते और स्वाति ने पहन लिए साड़ी। क्या बात है, आज तो एक नंबर लग रही है पटाखा। तुम यार मोटी नहीं हुई यार, क्या बात। ऑपरेशन के बाद भी तुमने 3 महीने रेस्ट नहीं किया, क्या बात। तभी तो मोटी नहीं हुई। अच्छा ऑपरेशन में रेस्ट कर रही थी तो मैं मोटी हो जाती हूं फिर। ऐसा ऐसा ये सबको समझाओ करके दिखाओ। तो गाइस स्वाति का कहना है कि अगर आप काम करते रहोगे तो आप मोटे नहीं होगे, तो इसलिए 3 महीने अगर लेट रहते तो स्वाति भी शायद मोटी हो जाती। हां हो जाती तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि जो खाते वो फैट कहा जाता। सही बात, खाते और लेटे रहो, खाओ लेटे रहो। इसलिए हमारे डॉक्टर ये बोलते हैं टहलो टहलो, काम ना करो तो टहलो, अपना बॉडी को रखो। मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं भी टहल रहा हूँ। तो चलते हैं मंदिर। चलिए ऑटो। तो बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर ऑटो में। मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा, इसलिए ऑटो से जा रहे हैं। कौन पकड़ लो कभी कुछ नहीं। तो यहाँ तो मेला सा लगा हुआ है। तो भैया बहुत भीड़ है नीलकंठ मंदिर में और कई लोग पहचान भी गए हैं, बड़ा अच्छा लगा। आ जा। तो भैया नीलकंठ मंदिर आ गए, बड़ी भीड़ है यहाँ पर और शिवरात्रि भी चल रही है। शिवरात्रि सावन चल रहे हैं, सावन का सोमवार चल रहा है तो भीड़ है इस वजह से और मेला लगा हुआ है यहाँ पर। ये रहते तो भैया हमारे अभी झूला भी झूलेंगे स्वाति, ठीक है झूला भी झूलेंगे। तो प्रसाद वगैरह और फूल वगैरह हमने ले लिए हैं सबके अंदर। स्वाति नीलकंठ मंदिर याद आया। तो गाइस ये है नीलकंठ मंदिर, यहाँ पर आते से ज़्यादा रिश्ते तय होते हैं, लोग लड़कियाँ दिखाने यहीं पे आते हैं। और जब मैं स्वाति से मिला था पहली बार यहीं पे आया, इसीलिए देखो हमारी शादी हो गई। तो अगर किसी को मिलना हो, हाँ तुमसे भी कह रहा हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं लेके आना मिलने के लिए, समझो। तो हम जब आए थे पहली बार मिले थे रजत मैं और स्वाति, यहाँ पे आके बैठे थे पेड़ के नीचे। हाँ सर मजाक समझ रहा, तेरे सामने की बात है भाई। और अब शादी हो गई तो अगर तेरे को भी मिलना हो जिससे तेरे को शादी करनी हो यहाँ लेके आइयो, इस मंदिर पेड़ के नीचे बैठियो, ये पेड़ बहुत शुभ है हमारे लिए। नहीं स्वाति समझ गया, बैठ
हैं? फिर बैठ जाओ। अब क्या करने बैठ गए? अब क्या करने? अब दूसरी के साथ? चलो बाद में बात करते हैं। ये कितना बढ़िया लोकेशन आ रही है यहाँ पे देखो। हाँ सही बात। चला नीचे स्वादी, यहीं से कूद जाओ। तुम कूदो पहले, फिर मैं आऊँगा। तो गाइस देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रखा बात होगा। बात खाई है तो जानबूझ के मरना थोड़ी है। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मरना नहीं है। यहाँ पन्नी बांधने से सारी वो मन्नत पूरी होती है। साथी बांधोगी? अरे क्या बात है, स्वाति का दिल से कनेक्शन है तो पन्नी की जरूरत नहीं है। लव यू। तो स्वाति खा रही है गोलगप्पे, बस एक। अरे यार चलो एक खा लो तुम, कोई बात नहीं, बाकी के खाने के लिए मैं तैयार हूँ। खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो फाइनली गाइस हम लोग वापस आ गए मंदिर से, और बड़ा मजा आया और अच्छा लगा मेरे को, मतलब मंदिर जाके। बहुत दिनों बाद हम मंदिर गए हैं, क्योंकि लास्ट हम गए थे बेबी होने से पहले ही। उसके बाद बेबी होने के बाद सवा महीने हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई, और उसके बाद अब मौका मिला तो चलो सावन में हम नीलकंठ मंदिर हो के आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बाबू के लिए लेने आया हूँ मैं, ये बाबू को पहनाएंगे। चार ही जने रह गए, तुम किसके साथ हो? तुम हैं? देविका है भक्त। इससे बढ़िया तो मनीषा बोल देती एक बार को यार। बेबी का है। तो गाइस अभी मैं सब्जी लेने आया हुआ था तो इसे देख नहीं पाया। बिग बॉस देख रहे हैं बैठ के, और मैं कर रहा हूँ एलवी शादर को सपोर्ट, रजत भी है एलवी शादर को। खाना खा रहे हैं लोग, आ जाओ खाना खा लो। जीजू खाना बनना बाद मत कहना, बुलाया नहीं। कौन जीतेगा पापा जी? कौन जीतेगा? एल्विस। मम्मी एल्विस। और दो लोगों के नाम बताओ कौन कौन है शो में अभी। एक और तीसरा लड़की मनीषा रानी। मम्मी The winner, Abhishek, is Elvis. Elvis Yadav जीत गया, जीत गया Elvis Yadav। तो गाइस पिछले दो तीन दिन से पूरी बॉडी दर्द कर रही है, यहाँ पे कर रहा है और जांघ पे कर रहा है और रीढ़ की हड्डी पे कर रही है। मतलब मैं पिछले दो दिन से लेट आई हूँ, मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू।